हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की स्टूडियो लेक्चर में हम कल के ही टॉपिक एरेज को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने वन डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ा था, आज हम इस वीडियो में एरे के सेकंड टाइप मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, कल हमने वन डायमेंशनल एरे में देखा था कि किस प्रकार से हम समान प्रकार के डेटा को एरेस के अंदर स्टोर करवाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर डेटा हमारे पास में टेबल फॉर्म में है, टेबल मतलब सारणी, अगर टेबल के रूप में डेटा है हमारा, तो हम उसको किस प्रकार से स्टोर करवाएंगे? तब हमें मल्टी डायमेंशनल एरे का उपयोग करना पड़ेगा। मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब एरे ऑफ एरे, एरे का एरे, एरे का एरे, एरे ऑफ एरे को एक हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। मतलब कि एरे का एरे एक मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने कोई एरे बनाया है, अब उस एरे को हम अलग अलग साइज दे रहे हैं। मतलब कि एक हमने कोई एरे बना दिया वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे का भी हमको एरे बनाना है, तब हम किसका उपयोग करेंगे? मल्टी डायमेंशनल एरे का। तो इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा टाइप, सबसे पहले टाइप आ जाएगा, जो भी टाइप होगा आपका, जिस टाइप का डेटा आप एरे के अंदर स्टोर करवा रहे हो। उसके बाद में आएगा एरे का नाम। अब चूंकि ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो आपको साइज वन, साइज टू, साइज एन, जितनी भी मतलब आपको साइज देनी है उसकी आप यहाँ पर साइज दे सकते हो। जैसे कि टेबल फॉर्म में अगर आपको एरे प्रिंट करवाना है, टू डी एरे कराओगे, साइज वन और साइज टू, टेबल में क्या होती है रॉ और कॉलम, तो हमको रॉ और कॉलम से काम चल जाएगा। उन कॉलम्स के अंदर भी हमको दोबारा से कॉलम्स क्रिएट करने हैं, तो हम दोबारा से साइज देंगे। तो इस प्रकार से हम मल्टी डायमेंशनल एरे को बनाते हैं। स्टूडेंट, आपके कोर्स में है टू डायमेंशनल एरे, जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे का सबसे सिंपलेस्ट रूप है। मतलब कि मल्टी डायमेंशनल एरे का सबसे सरलतम रूप दो आयामी एरे, टू डायमेंशनल एरे है। मल्टी डायमेंशनल एरे को हिंदी में बोलते हैं बहुआयामी एरे, ठीक है। इसका सबसे सरलतम रूप दो आयामी एरे है, टू डायमेंशनल एरे। इसके अंदर क्या होते हैं? रॉ और कॉलम। जब हमें कोई टेबल या सारणी मेमोरी में स्टोर करनी होती है, तब हम टू डायमेंशनल एरे का प्रयोग करते हैं। इसमें एक डायमेंशन रॉ की और दूसरी डायमेंशन कॉलम की होती है। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको भी बताया, अगर हमको टेबल के रूप में डेटा मेमोरी में स्टोर करवाना है, तो हमें टू डायमेंशनल एरे का उपयोग करना पड़ेगा। टेबल में क्या होते हैं? रॉ और कॉलम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स का डेटा स्टोर करवाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल है, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, और यहाँ पर उसके सब्जेक्ट है। अब मुझे स्टूडेंट के सब्जेक्ट को नंबर मार्क्स को स्टोर करवाना है, मतलब टेबल फॉर्म के अंदर डेटा स्टोर करवाना है, तो ये काम मैं वन डायमेंशनल एरे के अंदर नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे टू डायमेंशनल एरे की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ जाएंगी रोज, यहाँ जाएंगे कॉलम्स। ऊपर क्या है? कॉलम्स, यहाँ जाएंगे रोज। मतलब टेबल फॉर्म में मुझे डेटा स्टोर करवाना है, तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? टू डायमेंशनल एरे का। टू डायमेंशनल एरे में क्या होती है? रॉ और कॉलम। बढ़ते आगे, टू डी एरे में हम एलिमेंट्स को रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। टू डी एरे में हम एलिमेंट्स को पंक्ति व स्तंभ, रो और कॉलम में स्टोर करते हैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा टाइप, बाद में एरे का नाम, बाद में नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज आपको अपने टेबल के अंदर बनानी है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कितने कॉलम्स आपको प्रत्येक रो के अंदर देने हैं। जैसे अभी हमने लिया था स्टूडेंट के लिए, तीन रो थी वहाँ पे और चार कॉलम थे। तो इसका एक एग्जांपल आपको बताऊं मैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा इंटीजर एक्स, एक्स क्या हो गया? एरे का नाम। इंटीजर क्या हो गया? एरे का टाइप। रॉ कितनी होगी इसमें? तीन रॉ है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने? चार कॉलम, मतलब प्रत्येक रॉ के अंदर चार कॉलम। तो इसका अगर मैं डायग्राम के रूप में बताऊं, तो ये देखिए, ये तो मेरे हो गए चार कॉलम, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, और जो होगी तीन रॉ, एक रॉ, टू रॉ और थ्री रॉ। इस प्रकार से हमने 3x4 की एक 2D एरे बनाया है। तो ये क्या है? यहाँ एक x क्या है? x एरे का नाम, एक 2D एरे है जिसमें कुल 12 एलिमेंट्स हैं। अब स्टूडेंट, इसके अगर आप सबस्क्रिप्ट नंबर देखो, तो जैसा कि आपको, आप सब लोग जानते हो, आपको बताया भी कई बार है कि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है, स्टार्ट हमेशा कहाँ से होती है? जीरो से। यहाँ पर हमने तीन रोज और चार कॉलम लिए हैं। अब इसमें जो पहला कॉलम होगा उसकी इंडेक्सिंग होगी जीरो, पहली रो जो होगी उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? जीरो। तो हमने इसकी इंडेक्सिंग क्या कर दी? एक्स, जीरो और जीरो, मतलब कि जीरो रो का जीरो कॉलम। जैसे ही
रो तो कौन सी है, ये पहली रो जीरो जीरो रो होगी, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इंडेक्स नंबर जीरो की, मतलब कॉलम की भी जीरो से होगी, रो की भी जीरो से होगी, ये तो एरे होता है, एरे में क्या होता है इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट ही होती है, तो ये पहली रो कौन सी होगी, जीरो रो, तो इस जीरो रो का जीरो कॉलम, जीरो रो का फर्स्ट कॉलम, जीरो रो का सेकंड कॉलम, जीरो रो का थर्ड कॉलम, ठीक है। वैसे ही अब ये रो टू आई जीरो, अभी रो वन, वन रो का जीरो कॉलम, वन रो का वन कॉलम, वन रो का सेकंड कॉलम, वन रो का थर्ड कॉलम, अभी रो नंबर तीन जिसकी इंडेक्सिंग क्या होगी टू, मतलब जीरो वन टू, तो टू रो का जीरो कॉलम, टू रो का वन कॉलम, टू रो का टू कॉलम, टू रो का थ्री कॉलम, इस प्रकार से हम इसको सबस्क्रिप्ट नंबर प्रोवाइड करवाते हैं। अब माना कि मुझे सेकंड रो के थर्ड कॉलम की वैल्यू को एक्सेस करवाना है, तब मैं सबस्क्रिप्ट नंबर क्या दूंगा, वन और टू, क्योंकि सेकंड रो जब स्टार्ट जीरो से हुई है तो सेकंड रो किस पर होगी, वन पर, तो पहले तो वन रो हो गई, और मुझे इसका चाहिए तीसरा कॉलम, इसमें भी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हुई है, तो जीरो वन और टू, तो इसके साथ सबस्क्रिप्ट नंबर क्या होगा, एक्स ऑफ वन और टू, ठीक है। इस प्रकार से हम टेबल के अंदर किसी भी एलिमेंट्स को एक्सेस करवाते हैं। तो इस अगर टू डी एरे को देखो तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर, एरे का नाम क्या हो जाएगा, एक्स, नंबर ऑफ रो इसके देखती है तीन, नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने, चार। तो इस प्रकार से हम टू डी एरे को बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एरे जैसे कि वन डी एरे का इनिशियलाइजेशन हम दो प्रकार से करते हैं, वैसे ही टू डी एरे का भी इनिशियलाइजेशन दो प्रकार से होता है, कंपाइल टाइम पर और रन टाइम पर, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन और रन टाइम इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, जैसे आपको ने कल बताया था कि जब भी हम एरे की घोषणा करते हैं, एरे की घोषणा करने के साथ ही अगर हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं तो वो कहलाता है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। टू डी एरे भी सेम ही है, टू डी एरे को घोषित करने के साथ ही उसका प्रारंभीकरण मतलब इनिशियलाइजेशन कर दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि एरे है एक ए नाम का, इसका टाइप इंटीजर, इसमें तीन रो और चार कॉलम लिए हैं, तो यहीं पर मैं इसको, इसकी इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो यहाँ तीन रो है, एक दो और तीन, सब में चार कॉलम है, तो सब में चार कॉलम के लिए मैंने डेटा इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब सेकेंड है हमारा रन टाइम इनिशियलाइजेशन, यहाँ क्या होगा, 2D एरे को रन टाइम पर इनिशियलाइज करने के लिए हम लूपिंग का उपयोग करते हैं, जैसे कल बताया था मैंने आपको, जब भी आप एरे को रन टाइम पर इनिशियलाइज करोगे तब उसके अंदर आप लूप तो जरूर लगाओगे, लेकिन ये 2D एरे है इसलिए इसमें दो लूप का उपयोग होगा, पहला लूप चलेगा आपके रॉ के लिए जो कि होगा आउटर लूप, मतलब बाहर वाला लूप होगा, और दूसरा लूप होगा आपके कॉलम के लिए जो होगा इनर लूप, मतलब अंदर वाला लूप, ठीक है। पहले होगा लूप, पहले फर्स्ट जो लूप चलेगा हमारा, पहला लूप जो चलेगा जिसको हम बोलते हैं आउटर लूप, वो चलेगा हमारा रॉ के लिए, दूसरा लूप जो होगा वो चलेगा हमारा कॉलम के लिए। एग्जाम्पल देख लो एक बार, जैसे ये इसका एक एग्जाम्पल है, इसमें मैंने दो लूप लगाए हैं, एक फर्स्ट लूप जो कि है आउटर लूप, ये किसके लिए चलेगा, रॉ के लिए, और जो अंदर वाला लूप इनर लूप है ये चलेगा हमारे कॉलम्स के लिए, ठीक है। अब इसे मैंने यूजर से वैल्यू इनपुट के रूप में ले ली, तो जब भी वैल्यू मैं यूजर से लेता हूँ इनपुट के रूप में, तब उससे हम क्या कहते हैं, रन टाइम आरंभीकरण, मतलब रन टाइम पर वैल्यूज यूजर से लेना, तो वो जाएगा एरे का रन टाइम पर इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पर जो मैं लूप लगाया है, ये लूप कौन सा है, मेरा आउटर लूप है, चल रहा है रोज के लिए, जैसे कि i इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो पोजिशन वाली रो, उसके जितने भी कॉलम है उन सबकी वैल्यू यूजर से लूंगा, उसके बाद i में हो जाएगा प्लस प्लस, रो मेरी जीरो से जाएगी वन, मतलब सेकंड रो पे आ जाऊंगा, सेकंड रो के अंदर मैं चारों कॉलम्स की वैल्यू लूंगा, उसके बाद में वापस i प्लस प्लस होगा, और उसके बाद में मैं जो रो मेरी रो नंबर i की वैल्यू कितनी जाएगी, टू हो जाएगी, मतलब तीसरी रो में आ जाऊंगा, तीसरी रो में दोबारा से मैं चारों कॉलम की वैल्यूज लूंगा, इस प्रकार से मैं रन टाइम पर एरे में सारी वैल्यूज को देता हूँ। स्टूडेंट इसका भी हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं, आसान सा एक बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम, ये देखिए स्टूडेंट, इसमें मैंने क्या किया है, इंटीजर एरे, मतलब एरे नाम का एक एरे लिया है, ठीक है, एरे का नाम भी क्या रखा है मैंने, एरे, जिसके अंदर मैंने तीन रो और तीन कॉलम लिए हैं, मतलब कि तीन रो और तीन कॉलम, इसका मतलब क्या है कि इस एरे के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट आएंगे, नाइन एलिमेंट, मतलब तीन रो में और प्रत्येक रो में कितने होंगे तीन कॉलम, तो तीन इंटू तीन कितने जाएंगे नौ, तो टोटल मिलाकर एलिमेंट कितने होंगे इसके अंदर, नौ एलिमेंट होंगे। आई और जे, मतलब आई चलेगा मेरा रॉ के लिए और जे चलाया मैंने कॉलम के लिए, मतलब ये लूप लगाऊंगा तो लूप में आई और जे के लिए मैंने यहाँ वेरिएबल दिए हैं। अब एंटर एरे एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट में यूजर से इनपुट में इनपुट के रूप में ले रहा हूँ, और जो मेरा पहला लूप चला इसके लिए रॉ के लिए, तो स्टार्ट किया मैंने आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन थ्री, आई प्लस प्लस, लेस देन थ्री का मतलब क्या है, तो लूप चलेगा मेरा जीरो पर, वन पर और टू पर,
जैसे आई की वैल्यू मेरी 3 हो जाएगी, जैसे आई की वैल्यू मेरी 3 हो गई तो कंडीशन क्या होगी, 3 less than 3, कंडीशन फॉल्स, लूप से क्या जाएगा बाहर। अब इसके अंदर आए, अंदर हमने क्या किया, अंदर जो लूप है ये वाला, इसके लिए कॉलम के लिए, मतलब कि जब i इक्वल टू 0 रो फर्स्ट है तो फर्स्ट रो के ऊपर 0th कॉलम, 1 कॉलम और 2 कॉलम पर ये क्या लेगा, यूजर से वैल्यू, उसके पर उसके बाद इस लूप से बाहर आ जाएगा, वापस इस i वाले लूप में जाएगा, i की वैल्यू 0 से कितना हो जाएगी 1, और 1 रो के ऊपर दोबारा से 3 वैल्यू लेगा, और उसके बाद i की वैल्यू जाएगी 2, 2 पर दोबारा से 3 वैल्यू लेगा। इस प्रकार से टोटल 9 वैल्यू हम यूजर से क्या लेंगे, इनपुट के रूप में लेंगे। अब आज वैल्यूज को लेने के बाद हम इसको प्रिंट करवाएंगे। स्टूडेंट जब भी हम इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट हम किस फॉर्म में करवाएंगे, हम करवाएंगे इसको टेबल फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। तो 2D अरे हमेशा हम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर प्रिंट करवाते हैं। तो ये आउटर लूप और इनर लूप तो सेम ही है, पहला रो के लिए दूसरा कॉलम के लिए। फिर अंदर आए, अंदर हमने एक स्लैश टी लगाया, स्लैश टी मतलब कि टैब देना, जैसे कि आपने कोई 2 नंबर लिखे हैं, उन 2 नंबर के बीच में आपको स्पेस देना है, तब क्या लगाते हो, स्लैश टी। अब यहाँ पर जैसे ही मैं वैल्यू यूजर से लूंगा 9 वैल्यूज, तो हर वैल्यूज को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर प्रिंट करवा रहा हूँ, और एक रो के अंदर वैल्यूज को मैं स्पेस के मतलब इस तरह, जैसे कि एक रो फर्स्ट रो है मेरी, फर्स्ट रो में 3 कॉलम है, तो इन तीनों कॉलम की वैल्यूज के बीच में मैं एक स्पेस दूंगा, इससे मैंने क्या लगाया यहाँ पे स्लैश टी। और जैसे ये मेरा फर्स्ट रो खत्म हुई, सेकंड रो में लेना चाहिए नेक्स्ट लाइन के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया स्लैश एन। इस प्रकार से मैं तीनों रोज को प्रिंट करवा दूंगा, इसका आउटपुट क्या होगा, फर्स्ट है एंटर एरे एलिमेंट्स, टोटल मैंने कहा था 9 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 एलिमेंट मैंने यूजर से इनपुट के रूप में ले लिए। अब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ 2-dimensional array elements, 2-dimensional array elements आर ये, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो में क्या होंगे, ये 3 एलिमेंट 60, 12 और 56, तो 3 एलिमेंट फर्स्ट रो में हो गए 18, 6 और 100, तो सेकंड रो में हो गए 34, 78 और 90, ये हो गए तीसरी रो में, ठीक है। तो ये 3 रो हो गए इसके और 3 कॉलम हो गए, 60, 12, 56 फर्स्ट रो में आ गया। अब यहाँ पर जो मैंने 2 एलिमेंट्स के बीच में स्पेस दिया है, ये स्लैश टी की वजह से आया, ठीक है, ये स्लैश टी लगाया मैंने, जैसे यहाँ पे स्पेस आया, जब स्लैश टी नहीं लगाता तो ये पूरी 3D बन जाती, 60, 12, 56 सब एक साथ में आ जाती, यहाँ स्पेस आया इसलिए मैंने यहाँ लगाया स्लैश टी। उसके बाद जैसे ही मेरी फर्स्ट रो पूरी हो गई, फर्स्ट रो पूरी हो गई, मैं कर्सर गया स्लैश एन पर, स्लैश मतलब क्या, बैक स्लैश एन मतलब क्या होता है, न्यू लाइन में जाने के लिए, न्यू लाइन में गए, यहाँ से दोबारा से 3 वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। ये सेकंड रो की वैल्यूज कौन सी थी, 18, 6 और 100, 18, 6 और 100, थर्ड रो की 34, 77 और 90, 70 और 90, तो ये हमारा 2-dimensional array प्रिंट हो गया। स्टूडेंट अब एरे को मैंने आपको 1-dimensional और 2-dimensional array बता दिए हैं, कल अब मैं आपको बताऊंगा डेटा स्ट्रक्चर का एक मेन पोर्शन, कि अगर 1D array और 2D array की एड्रेस की गणना किस प्रकार की जाती है। अगर हमको कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि ये 2D array है, इसकी मेमोरी साइज ये है, ये इस मेमोरी लोकेशन ये है, इसके एलिमेंट कितने बाइट स्टोर कर रहे हैं, तब हम उसको मेमोरी के अंदर उसका एड्रेस किस प्रकार से लोकेट करेंगे, वो चीज़ हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। तो स्टूडेंट कल आज के इन 2 वीडियोस को ध्यान से देखना, अगर आपको एरे समझ में आ जाएंगे तो आपको कल की वीडियो के अंदर भी कोई परेशानी नहीं होगी। स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और स्कूल के चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, इससे आपको स्कूल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो समय पर मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। शुक्रिया।